ये जो चुनाव है बहुत ही महत्वपूर्ण है, सिर्फ उत्तर प्रदेश के लिए नहीं, सिर्फ देश के लिए नहीं, पूरा विश्व के लिए। विश्व के जितने भी लीडर्स हैं वो लोग चाहते हैं कि मोदी जी वापस आए, वापस प्रधानमंत्री बने और उनका भी मार्गदर्शन दे पूरा विश्व का। मोदी जी ने जो कहा है, क्योंकि उन्होंने इतना भारत को इतना शक्तिशाली बनाया है कि सब लोग देख रहे हैं कि क्या हो रहा है हमारे देश में, जो पहले ऐसा नाम था ही नहीं। लोकप्रियता बहुत ज़्यादा बढ़ गई है हमारे मथुरा वृंदावन में, जो पहले नहीं था 10 साल पहले। खुशी हुई कि RLD को भी अमित शाह जी ने जोड़ा है। मुझे याद है ना, कुछ साल पहले 10 साल पहले जयंत चौधरी के लिए मैंने कैंपेन भी किया। जो चुनाव है बहुत ही महत्वपूर्ण है, सिर्फ उत्तर प्रदेश के लिए नहीं, सिर्फ देश के लिए नहीं, पूरा विश्व के लिए। क्योंकि विश्व में भी लोग चाहते हैं, विश्व के जितने भी लीडर्स हैं वो लोग चाहते हैं कि मोदी जी वापस आए, वापस प्रधानमंत्री बने और उनका भी मार्गदर्शन दे पूरा विश्व का। तो क्या विश्व गुरु जो बनना बनने का जो है हम लोगों में दिमाग में है, मोदी जी ने जो कहा है, और क्योंकि उन्होंने इतना भारत को इतना शक्तिशाली बनाया है कि सब लोग देख रहे हैं कि क्या हो रहा है हमारे देश में, जो पहले ऐसा नाम था ही नहीं। तो ऐसा एक करने वाले उनका उनका चुनाव है, तो उसके चुनाव में हम लोग तो एक छोटे छोटे एक एक कमल का फूल हैं। हम सब जितने भी भारतीय जनता पार्टी के सांसद बनने वाले हैं, तो वो हमारा कमल जो खिलकर उनके उनके जेब में जाएगा, तो वो उनका हाथ हम मजबूत करेंगे। बहुत सारे है, बिकॉज मैं लोगों से भी कहती हूँ कि आपको क्या चाहिए बताइए, क्योंकि मैं मेरी मर्जी में मैंने जो किया पिछले दोनों बार, और बहुत अच्छा विकास हुआ है, जिसकी वजह से आज और भी लोग आने लग गए, क्योंकि कंफर्ट जोन इतना मिल रहा है यहाँ हमारे मथुरा में, आना जाना एवरीथिंग। ऑफकोर्स ट्रैफिक जैम ज़्यादा है, उसको हम संभालेंगे, लेकिन लोकप्रियता बहुत ज़्यादा बढ़ गई है हमारे मथुरा वृंदावन में, जो पहले नहीं था 10 साल पहले, और जिसके लिए व्यवस्था करना ज़रूरी है। और बहुत सारे मुद्दे हैं, यमुना भी ख़ास तौर पर यमुना है इस बार, और एजुकेशन के वाइज और तरह तरह की चीज़ें हैं, सब मैं करना। खुशी हुई कि RLD को भी अमित शाह जी ने जोड़ा है, तो बहुत बहुत अच्छी बात है, क्योंकि पहले भी हम इनके साथ थे। और मुझे याद है ना, कुछ साल पहले 10 साल पहले जयंत चौधरी के लिए मैंने कैंपेन भी किया था, उस वक्त वो हमारे साथ में थे, माट में था उसमें, अभी भी बोला भी था उन्होंने, तो बहुत अच्छा है कि हम सब मिलकर इस चुनाव को लड़ेंगे इस बार। कितनी जीत मांग रही हैं आप इसी बार से, कितनी जीत होगी? तो अब की बार कह रहे हैं ना 400 पार, अब की बार 400 पार। आपकी कितनी जीत, आप यहां मथुरा जनपद में कितनी वोटों से जीत मांग रही हैं आप, आसान कर रहे हैं? सबका कहना कितना भाई, 8 लाख 7 लाख 7 लाख? सब 5 से शुरू करते हैं, 5, 6, 7, 8 ऐसा एवरी डे इंक्रीज हो रहा है। 5 से कम जितनी होगी? नहीं नहीं, 5 से कम तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, तो उससे भी ज्यादा होगा तो मुझे बहुत ही खुशी है। इसी बार है लोगों का जुड़ाव आपसे जुड़ाव है, कितना भरोसा ब्रजवासियों को आप दिलाएंगे इस बार? हाँ जी, उन्होंने बहुत ही भरोसा करके फिर से मुझे चुना है, और इसके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ हमारे पार्टी के लीडर्स को और हमारे ब्रजवासियों को, और ब्रजवासियों को बहुत ही खुश होंगे, हर चीज़ में हम लोग उनका ध्यान रखेंगे।